एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर में पार्ट 9 के बारे में सीखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। और एल्कोहल को आप लोग जानते हैं कि ROH से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिनाल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ये आपका फिनॉल होता है, ये रिप्रेजेंटेशन आपका एल्कोहल का है और आपका ये फिनाल का है। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, जो लोअर एल्कोहल होते हैं, जो लोअर एल्कोहल मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कम होती है, लोअर एल्कोहल क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। लोअर एल्कोहल क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं, विद डिस्टिंक्ट स्मेल होते हैं एंड बर्निंग टेस्ट होता है। और हायर एल्कोहल क्या होते हैं, जो हायर एल्कोहल होते हैं एक कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और वैक्सी सॉलिड होते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब डिपेंड करता है किसी चीज़ के सरफेस पे। सरफेस एरिया यदि ज़्यादा होती है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम्स वेपर फॉर्म। जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे कोई भी लिक्विड आपका लिक्विड फॉर्म से वो वेपर फॉर्म में उड़ना, एस्केप होना शुरू हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे ईथर हो गया, ईथर के केस में हो गया, एल्कोहल के केस में हो गया, फिनाल के केस में हो गया, इन केसेस में हम लोग देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंडेंसी जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी दो तरह के होते हैं, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिया गया है, जैसे मेथेन, मेथेन का आपका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में दिया गया है 90 है। क्लोरोमेथेन का आपका दिया गया 249 केल्विन है। ब्रोमोमेथेन CH3Br 278 केल्विन है। और यहाँ पे मेथेनॉल का बिल्कुल एवरेज चेंज होकर के 337.5 मतलब 337.5 डिग्री केल्विन है। यहाँ पे ये इतना एवरेज चेंजिंग क्यों आया, मेथेन 90, CH3Cl 249, CH3Br 278, CH3OH 337.5। बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेथेनॉल और मेथेनॉल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो ब्रेक बॉन्ड होते हैं, जो वीकर बॉन्ड होते हैं, इनको ब्रेक करने में आपका कुछ टेम्परेचर कंज्यूम होगा, मतलब थोड़ा टेम्परेचर तो उनको तोड़ने में भी कंज्यूम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। और आपके जो स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड है उनको तो ब्रेक करने में जो लगेगा वह तो लगेगा ही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने में भी आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस केस में जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये टेम्परेचर आपका जुड़ जाता है, और उस कारण आपका मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 337.5 डिग्री आपको मिलता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज़ किसी भी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व है, कितना वो घुल सकता है। जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं, चीनी घोलते हैं, नमक घोलते हैं, इस तरह से डिजॉल्व करते हैं, तो लोअर एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल। जो छोटे छोटे एल्कोहल होते हैं मतलब जिसमें कार्बन संख्या कम हो, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, लोअर एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जैसे वाटर है इसमें जो लोअर एल्कोहल होते हैं बहुत ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं, बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल का बढ़ता जाता है सॉल्युबिलिटी इनकी घटती जाती है, मतलब डिजॉल्व कम होते हैं, घुलनशीलता उनकी कम होती जाती है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर डिक्रीजेज विद लेंथेनिंग ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन की चेन जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उनका डिजॉल्वेशन, उनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब कार्बन जितना ही स्मॉल फैमिली का होगा, जितना छोटा होगा, जितना लेंथेनिंग इसका कम होगा उतना ज़्यादा ये वाटर में डिजॉल्व होगा, और जितना ज़्यादा कार्बन की फैमिली बढ़ेगी, एल्कोहल का परिवार बढ़ेगा, उसकी डिजॉल्वेसी या सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होगी। अब यहाँ पे दिखाया गया है एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन पेंटाइल एल्कोहल, एन हेक्साइल एल्कोहल, एन हेप्टाइल एल्कोहल, ये डिजॉल्विटी की सॉल्युबिलिटी आपकी दिखाई गई कि कितना ये डिजॉल्व है। अब एल्कोहल आपको दिखाया गया है एन ब्यूटाइल एल्कोहल, इसमें 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन के दिया गया है। जो एन ब्यूटाइल एल्कोहल है इसकी सॉल्युबिलिटी कितना 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर,
यहाँ पे पेंटाइल अल्कोहल 2.3, हेक्साइल अल्कोहल 0.6 और हेप्टाइल अल्कोहल 0.2। मतलब जैसे जैसे इनकी फैमिली बढ़ रही है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है, सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड देन अल्कोहल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड्स देन अल्कोहल। हम लोग जानते हैं कि फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका रिंग होता है, इस रिंग के ऊपर क्या होता है जो OH ग्रुप लगा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन रिंग से अगर एक हाइड्रोजन हटा करके एक OH ग्रुप अटैच होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। ये कह रहा है ये एसिड है। अभी हम लोग जो एल्कोहल को देखे, जो ROH है, ये आपका एसिड तो नहीं है, लेकिन इसको फिनॉल को एसिड बोल रहे हैं, फिनॉल को एसिड बोला जा रहा है, जबकि ये एल्किल ग्रुप है, ये एरिल ग्रुप है, ये भी कार्बन से अटैच है और ये भी कार्बन से अटैच है, ये एरोमेटिक कार्बन से अटैच है, ये एलिफेटिक या आपका एल्किल ग्रुप से अटैच है। यहाँ पे कह रहे हैं फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड्स, फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड्स देन एल्कोहल। जो एल्कोहल्स होते हैं इनसे ज़्यादा ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने का नेचर क्या होता है, मेन बात आपको समझ लीजिए, लॉस ऑफ प्रोटॉन मीन्स एच पॉजिटिव प्रोटॉन। जिस कंपाउंड में, जिस मॉलिक्यूल में से जितना इजली रिलीज हो जाएगा वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। दूसरी चीज, इस प्रोटॉन को रिलीज होने से जो कंपाउंड आपका बचता है वो स्टेबल है या नॉन स्टेबल है। अगर वो स्टेबल है तो इसका मतलब इसका जाना ठीक है, अगर इनके जाने से वो स्टेबल नहीं है तो उनको जाने नहीं देगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब फिनॉल में से आपका प्रोटॉन रिलीज करते हैं तो हमको क्या बनता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखते हैं ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ मैं डीलोकलाइज कराऊँ, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के पश्चात हमको नया स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड दोनों एज इट इज रहेंगे। सेम टाइम पे इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाएंगे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कराएंगे, यहाँ पे इवॉल्व कराएंगे और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड आपका ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा और अगला स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगला स्ट्रक्चर हम लोग क्या देखते हैं, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर रोटेशन मिलाते हैं और ये डबल बॉन्ड एट द सेम टाइम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और अगला स्ट्रक्चर हमको क्या मिलेगा, ये बेंजीन रिंग अपना बना लीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आपका इस पोजीशन पे जनरेट हो रही है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो रही है और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह रहे हैं। अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे रोटेशन में लाया हमने और एट द सेम टाइम ये डबल बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक हो गया और अगला स्ट्रक्चर हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पुनः नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। मतलब फिनॉल में जब इसके लोन पेयर का हम लोग पार्टिसिपेशन करा रहे थे तो आपके क्या था, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मीन्स हाईली अनस्टेबल। यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आपका आयन बना है, फिनॉक्साइड आयन फिनेट जो बना है आपका है, ये मोस्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ओवर होल रिंग। पूरे रिंग में आर्थो पैरा और आर्थो पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, इस कारण इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटॉन होने के कारण की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए ज़्यादा एसिडिक है। तो फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड देन अल्कोहल, फिनॉल्स आर स्ट्रांगर एसिड, इसका Ka एसिड कांस्टेंट जिसको दिया गया है, एसिड कांस्टेंट 10^-8 to 10^-10 है और उसका pKa 8 to 10 के बीच में है। देन एल्कोहल का आपका pKa कितना, एसिड कांस्टेंट 10^-16 to 10^-18 एंड pKa कितना 16 to 18। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर। ब्लू लिटमस को जो रेड कर दे वो एसिडिक नेचर है। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस एल्कलीज टू फॉर्म फिनॉक्साइड एंड फिनेट्स, और इनका रिएक्शन क्या होता है, NaOH। मतलब अगर ये एसिड हैं, अगर मैं इनको एसिड मानता हूँ, इनका बेस से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा कंपाउंड क्या बना, साल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब एक क्लियर हो गया कि फिनॉल आपका एसिडिक है, फिनॉल जब बेस से रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर दे रहा है, ये कन्फर्म हो गया कि फिनॉल आपका एसिडिक नेचर है।
दूसरी चीज ये क्या ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब एबीएचडी करेक्टर है, और फिनाल का बेस रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके प्रूफ कर रहे हैं कि फिनाल आपका एसडी करेक्टर होता है। दूसरी चीज जिसमें ओएच ग्रुप लगा है, अब आरओएच भी हो सकता है और बेंजीन रिंग के साथ यदि अटैच होकर हम लोग बोलते हैं फिनाल, तो इसको तो मैंने प्रूफ कर लिया कि एसडी नेचर है। क्या एल्कोहल भी एसडी होता है, इसके लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन इसका लिटमस पे कोई प्रभाव नहीं है, लिटमस पेपर पे इस एल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं है, इसलिए एसिडिक नेचर नहीं है। दूसरी चीज जब इसका हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं आरओएच का एल्कोहल का, जब हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं कोई रिएक्शन नहीं मिलता। दूसरी चीज अगर ये एसिड रहता है एल्कोहल तो ये बेस से रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर देना, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रूफ हो रहा है कि एल्कोहल आपका एसिडिक नेचर नहीं है। इन कंट्रास्ट एल्कोहल नाइदर टर्न ब्लू लिटमस रेड, न तो ये ब्लू लिटमस को रेड बना रहा है न तो बेस से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए प्रूफ हो रहा है कि एल्कोहल आपका एसिडिक नेचर नहीं होता है, जबकि फिनाल आपका एसिडिक नेचर होता है। फिनाल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग देखेंगे आर सी ओ ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या जो ही आपका प्रोटॉन ऐसे रिलीज हो जाएगा क्या बनेगा आर सी ओ ओ निगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल हाईली स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनाल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एसिड कॉन्स्टेंट 10^-5 और के कितना है आपका 5 है, के कितना है आपका 5 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर वॉचिंग।